मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले। ओ मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले। मातृपुत्र पूजन दिवस निमित्त अहमदाबाद शहर में भव्य मातृपित्र पूजन संस्कार यात्रा का आयोजन किया गया है। पूरा अहमदाबाद शहर आज इससे लाभान्वित हो रहा है और गदगद हो रहा है कि वाह, बापूजी ने वाकई में एक ऐसी नई उपहार की शुरुआत की है जिससे पूरे विश्व का कल्याण होना ही है, होना ही है, होना ही है। आज अहमदाबाद युवा सेवा संघ और श्री योग वेदन सेवा समिति अहमदाबाद द्वारा एक ऐतिहासिक मातृ पितृ पूजन संस्कार यात्रा और संस्कृति जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के द्वारा हमारे युवाओं ने एक बात समझी कि हमारे गुरुदेव ने जो संदेश हमें दिए हैं वो कुछ भी हालत पर समाज के जन जन तक हमें पहुंचाना है। और पूरा युवा सेवा संघ और योग वेदन सेवा समिति, हम पूरे जी जान से फ्यूचर में भी इस अभियान में लगे रहेंगे ताकि हमारा राष्ट्र, समाज और पूरा विश्व मातृ पितृ पूजन संस्कार को मेंटेन रखे और हमारे भारतीय संस्कृति के जो जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करें। ऐसे संस्कार कभी किसी को मिलते नहीं है। 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे दिन मनाते हैं सब लोग, पर आसाराम जी बापू मातृ पितृ पूजन बताते हैं। सबसे अच्छा इधर लगा, हम कब से जुड़े हैं देखते ही आ रहे हैं कैसे यात्राएं चलती है, ऐसा सब कुछ। हिंदू संस्कृति को वैलेंटाइन डे के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम सबको भी अपने माता पिता के प्रति आदर भाव, शिक्षकों के प्रति आदर भाव, गुरुओं के प्रति आदर भाव और पूजन करना चाहिए और उसके लिए प्रेरित करना चाहिए और बिना संकोच ये काम करना चाहिए। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। તમે જે હરિભક્તો આ કાર્ય જોડે બેડો ઉપાડ્યો છે એ બી સારો કહેવાય માતા પિતા માટે। मातृपितृ पूजन दिवस की खोज की है तो उसके प्रभाव से यूँ तो हम मतलब बोलते हैं ना कि मातृपितृ पूजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन खुद हम जब बनाते हैं ना, मैंने जब पहली बार मनाया तो मेरे को इतना अच्छा लगा, माँ बाप के लिए जो भाव उठा और माँ बाप ने जो आशीर्वाद दिए, मतलब उसका बयान नहीं हो सकता शब्दों में। संकीर्तन यात्रा में जुड़ी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के देश के युवान और युवतियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की युवतियों को विदेशी कल्चर के प्रभाव से दूर रह के माता पिता का पूजन और अपनी सनातन संस्कृति की ओर बढ़ना चाहिए। कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले। भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले।